हमारी जमीन जायदाद नहीं गई होती, हम अगर पार्टियों के गुलाम नहीं हुए होते तो आज हम इस तरीके से ये सभाएं क्यों होती है किसी को पता? ये हमारा मंत्र भाई साहब ने आप लोगों को क्यों इकट्ठा करा पता है आप लोगों को? ये राजनीति बात करने के लिए नहीं, ये समाज की बात करने के लिए आप लोगों को इकट्ठा करा है, समाज को जोड़ देने के लिए आप लोगों को इकट्ठा करा है। क्योंकि आने वाले समय में मुझे गर्व है कि मेरी बेटी कम से कम ये तो कहेंगी कि मेरे पापा ने मेरे समाज की लड़ाई लड़ी, मेरी बेटी ये तो कहेंगी कि मेरे पापा ने हमारे यहाँ लड़ाई लड़ी, मेरी बेटी ये तो कहेंगे मेरे पापा ने आरक्षण की आवाज उठाई। क्यों? कि उस दिन दुख होगा जिस दिन मेरी बेटियां पढ़ लिख के अच्छे नंबर लाएंगे लेकिन उनको नौकरियां मिल रही है, उस दिन मुझे दुख होगा। आज मुझे भी दुख है, सब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल पढ़ा लिखा हिंदी भी अगर मैं लिखता हूं तो नहीं पढ़ सकता, दूसरे पर मेरी लिखी हुई राइटिंग नहीं पढ़ सकता, मैं इतना पढ़ा था कौन बता रहा। मैंने 10वीं के पेपर में यार एक आवाज सुनी है, आगरा में मेरी मंसार है या मेरे मामा की लड़की बह रही है तो मैं वहां से मैंने दो नंबर से पेपर दे रहे हैं पास, मैं तो ना पढ़ो देखो अपने परिवार में बैठो अपने राजपथों में खुली मन से बोल रहा हूं। अब आप ये पूछोगे खुद क्यों नहीं पढ़े? मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं फरीदाबाद में रहता था, वहां पे मेरे समाज की संख्या कम थी।